ने तो जहर का काम कर दिया जी। हमने कुछ ना चाहिए, मार मुआवजो दो, जो मदाना नहीं जामे तो मार मुआवजो दो, हमने तो मुआवजो चाहिए चाहिए। करेंगे लेकिन करे कुछ नहीं आज तक। सरकार कोई भी हो, किसानों के दिन गुलजार नहीं होते। कभी फसलों की सुरक्षा के लिए जद्दोजहद, तो कभी सरकार से जंग। अपने हक की लड़ाई के लिए किसानों को खेतों में पसीना, तो आंदोलन में खून बहाना ही पड़ता है। ताजा मामला झज्जर जिले के गांव जांडली का है, जहां रेलवे ट्रैक पर जाम लगाकर किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। दरअसल यहां पिछले 8 सालों से किसानों की फसल गंदे पानी की भेंट चढ़ रही है। झज्जर जिले के गांव जांडली में थर्मल प्लांट लगा हुआ है। थर्मल प्लांट तक कोयला ले जाने के लिए ट्रैक बना हुआ है। गुरुवार को बड़ी संख्या में लिलोड़ और आसपास के ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक जाम होने की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस के अलावा जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने तो एसडीएम जयप्रकाश खुद मौके पर पहुंचे। देखिए, एक तो ये डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक है एनटीपीसी के लिए, जांडली प्लांट जो है जिला झज्जर पड़ता है, और यहाँ काफ़ी लंबे समय से ये लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन जो है झाड़ली प्लांट के पानी के कारण ख़राब हो रखी है, जिसकी अभी जांच चल रही है और अगले 30 तारीख तक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्लांट के लोगों ने और पब्लिक के लोगों ने एक सर्वसम्मति से विचार बनाया कि भाई 30 तारीख के बाद हम इसमें देखेंगे। और उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि भाई हम जो है इसमें पहले इसकी जांच करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन अब तक जो हुई है उनकी जांच की जाएगी। रेलवे ट्रैक जाम करने के वाले किसानों ने बताया कि जब से जांडली में प्लांट लगा है, तभी से आसपास के गांव गौरैया में करीब 300 एकड़ और लिलोड़ की 250 एकड़ से ज्यादा जमीन खराब हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से केमिकल वाला पानी निकलता है, जिससे जमीन तो बंजर हो ही रही है, साथ ही कई सालों से उनकी फसलें भी बर्बाद होती आ रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैंने भी सदन में ये मेरा क्वेश्चन लगा था, मैंने भी सदन में उठाया था, अगर एनटीपीसी के द्वारा ये पानी आज जो है वो 1 फीट 2 फीट पे आ गया, जो 20 फीट पे कभी हुआ करता था। मैंने सदन में इस क्वेश्चन को उठाया था और 5 साल तक उन्होंने मुआवजा दिया और अब 5 साल का रोक रखा है, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारा पानी नहीं है। तो मैंने तो आईआईटी रुड़की की जो लैब है उसको भी चैलेंज किया है, अगर इस तरह के झूठे फरमान अगर हमारी इस तरह की लैब अगर देंगी तो क्या हाल होने वाला, और इनका विश्वास भी उठता है लोगों का, तो उसमें हम भी लग रहे हुए हैं। और भाई आंदोलन करना सबका फर्ज है ना, सबकी वो है, प्रजातंत्र में कोई भी आंदोलन कर सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी रेवाड़ी और झज्जर डीसी के साथ प्लांट के अधिकारियों से भी इस समस्या को लेकर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन 2014 के बाद से आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। न तो फसल को होने देता बिल्कुल भी, हमारे गांव में सारे मकानों में त्रेड आ गई जी, 6 फुट पा गया जी। अभी प्लांट में जा रहे हैं, अभी डीसी साहब के पास भी जा रहे हैं, डीसी साहब बोले 2 महीने में समाधान हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। रेवाड़ी का डीसी साहब भी आ लिया, झज्जर का भी डीसी साहब आ लिया, उनसे मीटिंग हो ली हमारी, प्लांट से मीटिंग हो ली, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा जी हमारे। जी हमने कुछ ना चाहिए, मार मुआवजो दो, जो मदाना नहीं जामे तो मार मुआवजो दो, हमने तो मुआवजो चाहिए चाहिए। और इससे आप समस्या का नाम ना दे, ये तो मतलब अत्याचार हो रहा है हमारे इन 2-3 गांवों के साथ। हमने इनको अपने उसके लिए सोचा था कि हमारे लाभ के लिए ये फायदा करेगा, लेकिन इन्होंने तो जहर का काम कर दिया। अब जमींदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, क्योंकि लोगों के पास जो व्यवसाय है हमारे इन 3-4 गांवों में जमींदार ही है। हमने सुना मारो भाई भाई मार बालका ने, चाहे तो नौकरी लगाओ, मारो समाधान करो, किमी भी करो, हमने चाहिए मारो, चाहे मारो और तो प्लांट चल लो या चाहे किमी चलो, फिर हमने मारो चाहिए अधिकार। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी बर्बाद हुई फसल और जमीन का मुआवजा दें और गंदे पानी की समस्या का समाधान करें, नहीं तो ये आंदोलन लंबा चलेगा।
वही पहले अभी जैसे बता चुके हैं, पहले जो बेनिफिट ऑफ डाउट था इसीलिए हमारा 4-5 साल के लिए मुआवजा दिया गया है। उसके बाद हमारा सिस्टम लागू हो चुके हैं और हमारा IIT रुड़की एंड अदर स्टडीज़ से ये पता चला कि वो पानी हमारा नहीं है, इसीलिए टेक्निकली हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है मुआवजा देने। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।